गुजरात की चुनावी जंग में 3A की लड़ाई है, अस्तित्व, अस्मिता और आधार। कांग्रेस अस्तित्व के लिए, बीजेपी अस्मिता के लिए और आम आदमी पार्टी आधार जमाने के लिए मैदान में है। सबके अपने वादे इरादे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में इन चुनावों को 5 साल नहीं बल्कि गुजरात के भविष्य के 25 साल से जोड़कर एक बड़ी लकीर खींच दी। लकीर के एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के साथ अपने उम्र भर के संबंधों और काम को लेकर हैं, और दूसरी तरफ 5 साल के लिए सत्ता परिवर्तन के लिए ताल ठोक रहे प्रतिद्वंद्वियों से मिलने वाली चुनौतियां हैं। आ वक्ते गुजरात की जनताए नरेंद्र ना रेकॉर्ड तोड़ीने उपेंद्र ना नवा रेकॉर्ड बनावनो नक्की कर दी। आ मात्र चूंटनी सभा नहीं, परंतु आ गुजरात की जनता नो विजय नो संकनाद छे। आगामी 25 वर्ष जारे देश की आजादी ना 100 वर्ष थशे, या 25 वर्ष अमृतकाल छे, अने अमृतकाल नी अंदर आ पहली चूंटणी छे। आजादी ना अमृतकाल नी आ पहली चूंटणी, आ चूंटणी 5 वर्ष माटे नथी भाई, आ चूंटणी 5 वर्ष माटे गांधीनगर में कोनी सरकार बने एना माटे नथी। अगले 5 साल में गुजरात के 25 साल के लिए क्या प्लान है पीएम मोदी का? अगले 5 साल में गुजरात का 25 साल वाला कैसा भविष्य तय करना चाहते हैं पीएम मोदी? अगले 5 साल में गुजरात में क्या बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? चुनावी मौसम में पीएम मोदी ने गुजरात की जनता से एक वादा मांगा है और एक वादा किया है। इस वादे में 5 साल में 25 साल के विकास का इरादा है। इस वादे में दांव पर भी बहुत कुछ लगा है, प्रयास, पुरुषार्थ और प्रतिष्ठा। आज चूंटणी 25 वर्ष पछी गुजरात केवू होशे एनो निर्णय करवा माटेनी चूंटणी छे। वैसे देखा जाए तो ये अपील पार्टी के स्टार प्रचारक की नहीं लगती, ये अपील देश के प्रधानमंत्री होने के नाते भी नहीं लगती। ये अपील सिर्फ चुनावी हार जीत और निर्णय भाग्य पर छोड़ देने वाले संतुष्ट मन की भी नहीं लगती। इस अपील में एक बेचैनी है उस कार्यकर्ता नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जिसने कभी दशकों तक गुजरात को साइकिल, पैदल और बाइक से मथा और अपनी राजनीति का मजबूत किला बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात की जनता से 25 वर्षों का भविष्य तय करने के लिए इस बार वोटिंग की अपील करते हैं, तो उस अपील में वो मुख्यमंत्री भी झलकता है जिसने लगभग 13 साल गुजरात के शिल्पी के तौर पर काम किया। आ गुजरात मैं बनाव्यू छे। रैलियों में जब प्रधानमंत्री मोदी जनता से ये नारे लगवाते हैं कि ये गुजरात मैंने बनाया है, आ गुजरात, और इसके बाद जब वो 25 साल के प्लान के लिए जनता से 5 साल और मांगते हैं, तो इसमें राजनीति का वो कूटनीतिक रणनीतिकार भी नजर आता है जो चंद दिनों में वर्षों की सियासत को पलटने का हुनर रखता है। गुजरात में बीजेपी 27 साल से काबिज है, इसमें निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक एक बड़ा फैक्टर है। और जब फिर से 25 साल के लिए वोट मांगने निकले हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो ये सवाल उठता है कि बीते 25 साल में गुजरात ने क्या पाया? अगले 25 साल के लिए गुजरात की खातिर मोदी का प्लान क्या है? मोडेरा नी अंदर आखू गाम आपड़े सूर्य शक्ति थी चालतू कर दीधु छे। घेर घेर ऊपर छत ऊपर सोलर पेनलो लगाई छे, એટલે દરેક ઘરમાં પોતાનું જ વીજળીનું કારખાનું બની ગયું। મારે તો ગુજરાતમાં બધે જ આ કરવું છે, એટલે તમે વીજળી તો ઘરમાં મફત આવે જ, પણ વધારાની વીજળી તમે વેચીને કમાઈ કરી શકો, ઘેર બેઠા કમાણી થાય, વીજળીમાંથી કમાણી થાય, એ વાત તો મોદી જ કરી હતી। વેસે એક સચ એ ભી હૈ કે ગુજરાત કા ચુનાવ પીએમ મોદી કે લિયે पार्टी की हार जीत की चिंता से ज्यादा हर बार व्यक्तिगत चुनौतियां लेकर आता है। गृह राज्य में जीत की चुनौती,
गृह राज्य में अपने किए कामों की विरासत को जिंदा रखने की चुनौती, गृह राज्य में अपने मैजिक मास्टर स्ट्रोक या महत्व को बनाए रखने की चुनौती। आ वक्त गुजरात की जनता नरेंद्र ना रेकॉर्ड तोड़ी ने भूपेंद्र ना नवा रेकॉर्ड बनावनु नक्की कर दीधु छे। परिवर्तन परिवर्तन। चुनौतियों की रेस में पिछले चुनावों तक कांग्रेस की ही चुनौती मुख्य रूप से रहती थी, इस बार आम आदमी पार्टी भी है। झाड़ू का बटन दबाओ, अच्छा रोजगार पाओ। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा जोर लगा दिया था, तब कहीं जाकर गुजरात में बीजेपी की सत्ता वापसी हो सकी थी। जोर इस बार हर तरफ से पुरजोर है, इम्तिहान सबके लिए कड़ा है। यहाँ हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी।